नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। यूपी के गाजियाबाद से एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक लिंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आज पूरी खबर लेकर हम आपके सामने हैं यहां पर चर्चा करने के लिए कि आखिर इन 25 जानों के लिए कौन कसूरवार है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये तमाम जानकारी के साथ मैं और नेहा आपके साथ मौजूद है। नेहा, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है कि ये 25 जान इतनी ज्यादा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि इस तरीके से 25 जान चली गई और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी? जी भारती, 25 जाने जाना एक अपने आप में ही दुखद है। एक इंसान की जान जाती है, एक घर का चिराग जाता है, लोगों के घर में महत्व होता है, लेकिन एक साथ एक बार में 25 लोगों की जान जाना एक तरह से बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। लेकिन प्रशासन भी क्या करे, हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, इंतज़ार करता है कि कब ऐसी घटनाएं आएंगी और फिर मुआवजे की बात करके वो मरहम लगा देंगे। अधिकारी भी पलीता लगाते हैं। योगी सरकार भले ही कितने भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए कानून बना दे, नियम बना दे, लेकिन अधिकारी उन सभी नियमों पर, कानूनों पर पलीता लगाते ही नजर आते हैं भारती। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है नेहा, तो इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इस पूरी जो ये लेंटर गिरा है, इस लेंटर की शिकायत पहले भी की जा चुकी थी, 3 महीने पहले ही बना था, प्रशासन से शिकायत की जा चुकी थी। अब ये जो शिकायत है, ये जो चिट्ठियां दी जाती हैं, जो एप्लीकेशन दी जाती है, कलेक्टर के ऑफिस में धूल खा रही होती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि क्या अगर एक आम आदमी आपके पास आकर शिकायत करता है तो क्या उसकी शिकायत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? अगर यहीं पर ही कोई बड़ा नेता आ जाए आपके पास, यहीं पर ही कोई बड़ा और आदमी आपके पास आ जाए या कोई उद्योगपति आपके पास आ जाए साफ तौर पर, तो आप उनके आगे पीछे उनकी आवभगत में लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई आम आदमी आपके पास आके शिकायत करता है कि हमारे एरिया में अगर कोई चीज बन रही है, उसका ठीक से जो है उसमें माल नहीं लगाया जा रहा है, ठीक से उसमें सारी चीजें नहीं लगाई जा रही है, तो वो जो एप्लीकेशन है या वो जो शिकायत है वो धूल क्यों खाती रहती है? एक तरह से बड़ा सवाल है कि इतनी बार शिकायत मिलने के बाद भी काम नहीं किया गया। शायद कहीं ना कहीं इंतजार था ऐसे हादसे का, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, एक मकान बनाने में बहुत समय लगता है और पैसे लगते हैं, लेकिन एक जर्जर इमारत की मरम्मत कराने में उतना समय नहीं लगता है और ना ही उतने पैसे। तो शायद इन अधिकारियों को उन पैसों का लालच था कि इतने सारे पैसे आएंगे, वो अपनी जेब गर्म करेंगे मरम्मत के नाम पे, तो शायद इतने निधि उनको ना मिले, लेकिन जो बाकी पैसे आएंगे उससे कहीं ना कहीं जैसे जर्जर इमारत बनाई थी वैसे फिर से खड़ी कर देंगे और बाकी जो निधि है वो अपनी जेब में रख लेंगे। बिल्कुल, और ये सभी चीज, यानी कि जो हादसे होते हैं उसके बाद ही सब एक्टिव होते हैं। आप इससे पहले क्या कर रहे होते हैं, जब आप क्या इंतजार कर रहे होते हैं कि जब ये घटना होगी, ये तमाम चीजें होंगी या इतने लोगों की जान जाएगी, तब आप एक्टिव होंगे? फिर एक टीम का गठन हो जाएगा, एक टीम के जब गठन होगा तो उससे 2 साल बाद रिपोर्ट मिलेगी, फिर वो 2 साल बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर एक और टीम का गठन होगा, एक और 2-3 साल के लिए वो केस खींचेगा, फिर उसके बाद और 2 साल के लिए खींचेगा। यानी वो एक लंबा प्रोसीजर, आप ये देख सकते हैं नया किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और साथ में हमारे यहाँ पर जिस तरीके से चीजें लटकाई जाती हैं, ये ज्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि अगर कोई छोटी घटना है तो बहुत बड़ी घटना है, 25 लोगों की जान जाना, छोटी घटना होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या रोड पे जिस तरीके से कभी गड्ढे होते हैं उसके चलते भी कोई, तो ये छोटी घटनाओं का भी कोई संज्ञान नहीं लेता, ये तो बहुत बड़ी घटना है। प्रशासन बाद में जब ऐसे हादसे होते हैं उसके बाद ही कोई कार्रवाई करती है। आदमी की कीमत क्या सिर्फ 2 लाख रुपए रह गई है? आदमी इंतजार करेगा कि वो मरेगा तब उसके परिजनों को 2 लाख मिलेंगे, और 2 लाख में क्या उनके घर का पूरा जीवन यापन हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अधिकारी क्या केवल नीली बत्ती लाल बत्ती में घूमने के लिए है? लोकार्पण होता है, उद्घाटन होता है, सेल्फियां खिंचाते हैं, फोटो आती हैं, बस क्या अधिकारी इसी के लिए रह गए हैं? जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बहुत जरूरी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, कल गाजियाबाद के मुरादनगर में एक हादसा हुआ। उस हादसे में शमशान घाट में करीब बहुत से लोग जो है गए थे, जिसमें एक लेंटर था जो कि गिर गया, जो कि 3 महीने पहले ही बना था आपको बता दें, और उस लेंटर के गिरने से, उसके नीचे दबने से 25 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 5 लोग घायल हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं इस बात से? हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आप क्या मानते हैं, कौन कसूरवार है, और क्या उन 25 लोगों की जान मात्र 2-2 लाख रुपए है? क्या 50 लाख रुपए आप खर्च करके उन सबको खरीद सकते हैं, उस परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं जैसा नेहा ने बताया? तो ये कितना बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना के पीछे कौन है? प्रशासन पर हम सवाल जरूर उठाएंगे,
लेकिन उससे पहले एक चीज और आती है नेहा, ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि COVID-19 के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनका उन्होंने उल्लंघन किया, इतने सारे लोग वहां पर थे। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इतने लोग वहां पर गए थे जो कि नहीं जाने चाहिए थे, COVID-19 का उल्लंघन उन्होंने किया, गाइडलाइंस का उल्लंघन उन्होंने किया, तो उस वक्त भी आप क्या कर रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था? आपका फर्ज बनता है उन लोगों को रोकना, COVID-19 की गाइडलाइंस का जब उल्लंघन हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोगों को रोकें, वहां रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हैं क्यों? नहीं, सवाल यू, वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसी घटनाएं होंगी। लिंडर, आपकी जिम्मेदारी थी, जो मतलब मरम्मत आपकी जिम्मेदारी थी, शिकायत इतनी बार गई लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी मरम्मत नहीं कराई, और उसका आप पूरा का पूरा ब्लेम उन लोगों पर देंगे जो वहां पर अंतिम यात्रा में शामिल होने गए थे, बारिश के चलते उस लिंटर के नीचे खड़े हो गए। कुछ दिन बाद तो ये भी बोल देंगे कि बारिश इतनी तेज थी कि लिंटर सह नहीं पाया और लिंटर गिर गया नीचे। जाहिर सी बात है, और ये बहुत बेवकूफाना है, बहुत ही इसकी बहुत कड़े तौर पर निंदा होनी चाहिए कि आप इन सब चीजों को देखते हुए भी आप जो है उतने एक्टिव नहीं होते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि ऐसे हादसे आए दिन जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्टिव नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है भारतीय, इससे पहले भी बहुत सारे मसले सामने आए हैं, लेकिन एक्शन में तब योगी सरकार आती है या अधिकारी आते हैं जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है और उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपने ये पूरी नहीं की, तब जाके वो सामने आएंगे। और इसमें अपडेट है भारतीय, में बताऊंगी, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ठेकेदार अभी भी मौके से फरार चल रहा है। बिल्कुल, तो ये कितना कितना दुखद है कि जो कसूरवार है, जो जिम्मेदार है इन सब चीजों का, अभी वही नहीं है, और इस घटना को 24 घंटे से ऊपर होने वाले हैं, तो 24 घंटे का वक्त गुजरने के बाद भी 25 लोगों की मौत का दोषी अगर आपकी गिरफ्त में नहीं है, अगर आप इसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या करें? और अहम सवाल ये भी उठता है कि आप जब एक आम आदमी कोई गलती करता है, अगर कोई एक चप्पल भी चोरी कर लेता है, तो आप कितना उसको पीटते हैं, आप उसे पीट पीट कर अजमरी हालत में डाल देते हैं पुलिस, और जब ऐसे हादसे होते हैं 25 लोगों की जान चली जाती है, और क्या करते हैं लोग, जाके गोवा घूमाते हैं, और कुछ टाइम बाद जब ठंडा हो जाएगा ये पूरा मामला, तो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप वापस आ जाएंगे एक नए हादसे की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, मुंह मोड़ते हैं, केवल अधिकारी नाम के ही हैं, काम के नाम पर कुछ नहीं। जब आपको जायजा लेना चाहिए तब आप कुर्सियां तोड़ते हैं ऑफिस की, या फिर कहीं टूर पे निकल जाते हैं, लेकिन जब असली बात आती है, जिम्मेदारी उठाने की बात आती है कि इसके दोषी हम हैं, तो मौके से फरार हो जाते हैं। और आज जब परिजन मौके पर हैं, परिजन जब वहां पर खड़े हैं और अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, लंबा जाम भी लगा है, लंबा जाम लगा है, हालांकि जो जो लोग हैं उनका एक ये उनके अंदर की भावनाएं हैं जो निकल कर आ रही हैं, जब ये आक्रोश दिखाया जा रहा है, लंबा जाम लग रहा है, तब आप उनको हटाने के लिए उतने कड़े एक्शन के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन आप ये एक्शन पहले नहीं ले पाए कि ये जो माल, घटिया माल जो इस चीज में लगाया जा रहा है उसको रोक लें। अगर आप उसको शायद रोक लेते तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। भारतीय, बड़े बड़े नेताओं के या अधिकारियों के घर की बात करें तो भूकंप रोधी होते हैं, नई अभी हाल ही में संसद बना है, नया संसद हो या पुराना संसद हो, सब भूकंप रोधी है, लेकिन यहाँ आम जनता जो है ना वो परेशान हो रही है, बिलक रही है, कहीं भूकंप के झटके से बिल्डिंग गिर जाती है, उसकी मरम्मत नहीं होती है, दूर दूर तक शिकायतें जाती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त किए हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी नई संसद की बात आपने बिल्कुल सही कही कि नई संसद बन रही है, भूकंप रोधी है, सभी जानते हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया, प्रधानमंत्री खुद जो है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने लिए या नेताओं के लिए जो जगह देख रहे हैं, या फिर हम ये मान सकते हैं कि संसद एक देश की बहुत अहम जगह होती है, लेकिन इस देश की कौन सी जगह अहम नहीं है, इस देश का कौन सा इस हिस्सा अहम नहीं है, ये कौन तय या देगा? कौन सा नागरिक अहम नहीं है, आम जनता से ही ये नेता बनते हैं। और एक और भी बात है, 50 लाख की संसद निधि आती है लेकिन कोई मतलब नहीं होता है उनका, केवल अपनी जेब गरम की और बात खत्म। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि आप जब उठकर आए हैं, अगर आप जमीन से अगर आप नेता बने हैं, तो आप नेता बने हैं सिर्फ जनता की वजह से, तो जनता की जो जगहें हैं जहां पर जनता रहती है उनके लिए आप सोचें, उनके लिए आप ये जो आपका बहुत कीमती वक्त है वो जनता के लिए निकालें, क्योंकि वो कीमती वक्त देने वाली आपको जनता ही है। भारती, ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी प्रयागराज में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बिल्डिंग गिरने से आम जनता काफी चपेट में आई थी, तो ये कोई नया मामला नहीं है, इन लोगों के लिए आम बात हो गई है कि हादसा होगा, मुआवजे के नाम पे मुंह पे रुपए मार देंगे और बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और रुपए की बात तो खैर बाद में आती है,
आपके जो काम है, जिस तरीके से आप काम करते हैं वहां पर, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। इससे पहले भी एक घटना जो है वो अभी कुछ समय पहले की, क्योंकि जब ऐसे हादसे आते हैं तभी ये घटनाएं आपके जहन में वापस आने लगती है, आपको ये उतना ही दुख का एहसास दिलाते हैं कि उस समय भी इतने लोगों की जान गई थी। तो अगर मैं पुराने हादसे की बात करूं तो नोएडा की अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, जब नोएडा में ये घटना हुई थी जिसमें कि करीब 4 से 5 मंजिला इमारत थी जो कि जिसकी हालत खराब हो गई थी। पहले वो थोड़ी सी झुकी और उसके बाद वो गिर गई, बहुत से लोग जो है इसमें हताहत हुए थे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रदेश में जहां पर ये, और प्रदेश में तो ये जिस तरीके से बार बार घूम फिर के बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो बहुत ये बहुत दुखद है। जरूरत है समझने की प्रशासन को कि जो इंसान है, आम आदमी है, उसकी भी जान उतनी ही कीमती है जितना कि एक कुर्सी पे बैठे नेता की, जितना कि एक प्रशासन की, प्रशासन एक ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में बैठे कलेक्टर की, और तमाम उन लोगों की जो एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। एक आम आदमी भी उतनी ही सांसें ले रहा है, उतनी ही इस देश को चलाने में मेहनत कर रहा है। ये फर्क जो, सिर्फ इतना फर्क जो रह जाता है कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और आप एक ओहदा संभाल रहे हैं, लेकिन आप वो ओहदा संभालने के बाद भी क्या कर रहे हैं, जान फिर भी जा रही है, लोग फिर भी परेशान हैं, चिट्ठियां देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, पूरी की पूरी घटना की जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो ऐसे में आप, एक आम आदमी कैसे आप पे भरोसा करे, कैसे सुनिश्चित करे कि उसकी जान जो है वो भी कीमती है, कैसे सुनिश्चित करे कि वो भी इस देश में जो है वो चैन की सांस से जी सकता है, वो जिस घर में रह रहा है उसका जो मटेरियल लगा हुआ है, या वो जिस भी सरकारी जगह पर जा रहा है उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो इस लायक है कि वो वहां पर जा सके। मात्र बारिश से अगर कोई बिल्डिंग गिरा, मात्र बारिश से अगर कोई चीज गिर जाती है, तो कितनी मतलब कितना बुरा हाल होगा। प्रशासन तो लग रहा है, अधिकारी जो होते हैं वो बस अपना रौब दिखाने के लिए होते हैं, उनको आम जनता से इतना मतलब नहीं होता है। वो आएंगे ऑफिस में, शिकायतों का गट्ठर लगा होता है, धूल खा रही होती है शिकायतों के जो पेपर होते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा कर्मचारी आ जाए, उनकी शिकायतें 2 मिनट में रफा दफा हो जाती हैं। क्या ये पूरा प्रशासन तेल डाले कान में बैठा था, जू तक नहीं रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि जो पूरी घटना है ये करीब दोपहर के समय हुई थी, और इस घटना में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा हमने आपको बताया, राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, राहत बचाव कार्य पूरा भी हुआ, 5 लोग घायल भी निकले, 25 लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन कसूरवार अभी भी बाहर है। तो ऐसे में क्या समझे कि क्या कितना और वक्त लेंगे आप 3 दिन और लेंगे, आप 4 दिन और लेंगे, आप कितना वक्त और लेंगे उस कसूरवार को गिरफ्तार करने में? और फिर गिरफ्तार एक बार हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे? जो वहां पे आला अधिकारी है आप उनका क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे? सस्पेंड करने के बाद क्या, कितने दिन तक सस्पेंड रहेंगे? सस्पेंड कर देंगे, और सस्पेंड करने के बाद क्या, क्या सस्पेंड कर देने से बाद में जो आपने उसके ऊपर हरकत में आया, आपने जो किया, क्या 25 लोगों की जान वापस आ जाएगी? क्या वो 25 लोगों के घर में जो बच्चे भूख से बिलखेंगे, क्या उनकी भूख खत्म कर पाएंगे आप लोग? तो ये जरूरी है कि ये सवाल उठते रहने चाहिए। नेहा, भारतीय कार्रवाई की बात की गई, निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लेकिन क्या ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि ऐसा हादसा हुआ है और कार्रवाई की बात या राहत सामग्री की बात की गई हो? लेकिन इससे इंसान सीख क्यों नहीं रहा है? अधिकारी बिल्कुल मस्त मौला होके घूम रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या जेल भेजेगी, रिहा हो जाएंगे, बेल पर आ जाएंगे, सस्पेंड करेगी, कितने साल तक सस्पेंड करेगी? इस पर इनको कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए, ताकि एक सीख बन सके कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, और जिम्मेदार अगर हम ठहरेंगे तो कोई ना कोई एक्शन ऐसा होगा जिससे नौकरी भी जा सकती है, जाने का खतरा रहे। इनको नौकरी जाने का खतरा नहीं है, बस सस्पेंड हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, उतने में काफी है इनके लिए। बिल्कुल नेहा, और अगर हम प्रदेश से थोड़ा सा बाहर निकले, मुंबई तक चले जाते हैं जी, मुंबई तक अगर हम जाते हैं तो बीएमसी के काम देख लीजिए यार। आज बड़े दावे ठोककर बीएमसी भी बोलती है, हर बार जब बारिश का मौसम आता है मुंबई में, जब इतना बुरा हाल होता है, तो हर बार 2 से 3 बिल्डिंग कोलैप्स होती ही हैं। तो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में ये जो चीजें होती हैं, इसमें सरकार, प्रशासन, ये सभी चीजें जो हैं, ये कहाँ तक एक्टिव रहती हैं, कहाँ तक इनके जहन में ये चीज रहती है कि अगर ऐसा होता है तो जिन लोगों की जान जाएगी वो उनके परिवार क्या करेंगे? तो ये जो बीएमसी की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो ये सभी लोग एक ही जगह पर हैं, ये सभी लोग एक ही नजर से आम आदमी को देखते हैं, ये सभी लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि जब हो जाएगा तब जांच की एक कमीशन बिठा दी जाएगी, बिल्कुल, या फिर मुआवजा दे दिया जाएगा, या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों का कितना
असर है, मतलब इन सब करने के बाद भी आपके आप कितनी अपनी बात जो है वो पुख्ता तरीके से रख सकते हैं कि आपके ऊपर एक आम आदमी भरोसा करे। इनको तब याद आती है आम जनता की जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आते हैं विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर केवल बातें रहती हैं, विकास दूर दूर तक नहीं दिखता है। दुनिया भर की धांधलेबाजी आप करते हैं और विकास के नाम पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद 0% है और सिर्फ दिखावे मात्र है। कागजों में आपका जो है विकास दिखाई जरूर देता है लेकिन जमीनी हकीकत एकदम इतर है। तो ये पूरी जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है बहुत दुखद है और मुझे लगता है, हमें लगता है, पूरी टीम को लगता है कि आप सभी को इस बात पर बहुत गहन तरीके से जो है वो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर सिर्फ कमीशन बिठा देना, जांच कमीशन बिठा देना काफी नहीं होता। तो ऐसे भी बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों को बहुत बहुत चिंतन से देखना चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम जानकारी के साथ मैं और नेहा आपके साथ मौजूद थे और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।